मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, उसको प्राप्त करने के लिए किस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। हमारे पास तो ये मार्ग है ही है, अक्रम मार्ग, और आपको तो गारंटी से बताते हैं कि आप ये ज्ञान प्राप्त करोगे तो आपको आत्मा की जागृति मिल जाएगी। जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य रहता है कि आत्म साक्षात्कार पाके, तमाम कर्मों से मुक्ति पाके मोक्ष जाना, वही मनुष्य धर्म का लक्ष्य है। मोक्ष का जरा थोड़ा सा मैं विश्लेषण चाहूँगा। हाँ, ज़रूर देंगे। मोक्ष यानी दो स्टेज में मोक्ष है, एक तमाम दुखों से मुक्ति, वो फर्स्ट स्टेज का मोक्ष है। संसार में रहते हुए भी हस्बैंड वाइफ, माँ बाप, बच्चों, बिजनेस, कोई भी परिस्थिति में आपको दुख भीतर में न हो पाए, ऐसी स्थिति प्राप्त होनी, वो फर्स्ट स्टेज का मोक्ष है। तो बिजनेस में कितने लॉस आते हैं, घर में कोई मतभेद हो जाते हैं, अरे घर में शांति से जीवन जीते होंगे, किसी की मृत्यु हो जाती है तभी शोक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी आपको दुख नहीं हो जाए, ऐसी ऐसी समझ आपको मिल जाती है, तो फर्स्ट स्टेज का मोक्ष है। वहाँ कर्म चार्ज होना बंद हो जाता है, कर्म चार्जिंग स्टॉप हो गया, फर्स्ट स्टेज का मोक्ष है। और बाद में कर्म के फल खत्म हो गए, आत्मा ने नए कर्म चार्ज किए ही नहीं, जन्म मरण के फेरे से आत्मा की मुक्ति होनी, वो अत्यंतिक मोक्ष बोला जाता है। नहीं, वो जो है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए जैसा कहा गया है कि दो मार्ग, एक तो संसार से विरक्त होकर संन्यास लेकर और वो जो है गुफाओं में ध्यान करना, दूसरा गृहस्थ धर्म जो है उसका पालन करते हुए अपना धर्म निभाना। प्रश्न ये आता है कि कलयुग में मनुष्य जन्म लेकर फिर वो उसके बाद में संसार में अपना जो भी कार्य करते हुए, अपने संतति का विस्तार करते हुए, अंत में जब वृद्धावस्था में आता है, तो जैसा आपने कहा दिसंबर आने के बाद में मनुष्य दिसंबर में यह तय करता है कि हमने क्या खोया क्या पाया। प्रश्न यह आता है, क्या गृहस्थ धर्म में ये संभव है कि हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकें? हाँ, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को वही दिया था ना। अर्जुन सारी लड़ाई लड़ते हुए भी कर्म बंधन नहीं हुआ, नहीं द्रौपदी छोड़ी, नहीं राजपाट छोड़ा, नहीं लड़ाई बंद की, उसको ज्ञान ऐसा, जनक विदेही थे अपने जीवन कथा में आता है। तो ये हमारा अनुभव है, हमारे जैसे हजारों आदमी ने ये ज्ञान लिया है, संसार में रहते हुए भी आत्म साक्षात्कार पा सकते हैं। यानी सचमुच अज्ञान छोड़ना है, गृहस्थ आश्रम छोड़ना नहीं है, कपड़े छोड़ने नहीं है, वो तो कपड़े छोड़ेंगे, कलरफुल छोड़ के भगवे पकड़ेंगे, सफ़ेद पकड़ेंगे, दिगंबर होएंगे, मगर देह मन वचन काय को कहाँ छोड़ के जाएगा, छूटना तो उससे है। सबसे बड़ा परिग्रह तो मन वचन काया है, तो ये भीतर में छूटना है। ये वसंत राय अलग है और आप खुद अलग हो, वो भेद ज्ञान आप जब प्राप्त करते हो आप खुद कौन है, तो अपने आप संसार को छोड़ने की जरूरत नहीं, अज्ञान को छूट गया तो आपको मुक्ति अनुभव में शुरू हो जाती है।